हेलो गाइस नमस्कार, वेलकम आप सबका फिर से हमारे इस ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे। साथ में उम्मीद रखता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। विंटर सीजन में जो हमने फ्लावरिंग लगाई थी, जैसे ये हमारे पास कैलेंडुला की प्लांट है जो कि अच्छी फ्लावरिंग भी हुई है और पौधे भी आप देख सकते हैं बहुत ही घनी और बूसी भी बनी थी। तो आप इसे फिर से नेक्स्ट सीजन में किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, इसके लिए आज इस वीडियो पर आप बने रहें और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। नेक्स्ट सीजन में आप इसे फिर से ग्रो करने के लिए अभी से आपको इसकी सीड्स को हार्वेस्टिंग करनी होगी। ये हमारे देसी कैलेंडुला है जो कि इसकी सीड पॉट्स अभी आप देख सकते हैं ये बनने लगी है। सीड पॉट्स के अंदर पे सीड्स बनती है, देन हम इसे हार्वेस्ट करके उसे नेक्स्ट सीजन में फिर से ग्रो कर सकते हैं हम अपने गार्डन पे। तो इस वीडियो पे आप देखेंगे कि इसकी सीड्स को हम किस तरह से निकाल के रख सकते हैं और फिर अगले साल फिर से इसे नए पौधे हम बिल्कुल अपने घर पर फ्री में बना सकते हैं। तो इस वीडियो पर आप देखें कि किस तरह से हम हार्वेस्टिंग करने वाले हैं आज। सबसे अच्छी सीड हमें कलेक्ट करने के लिए हमें ये आप देख सकते हैं पकी हुई सीड जो होती है जो पूरी तरह से पक जाती है, देन हमें इसे ही रखनी चाहिए। आप इस तरह से ग्रीन सीड्स को रखेंगे तो वो सही नहीं हो पाएगी, इसकी नए पौधे अगले साल नहीं बन पाएंगे। जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं ये ग्रीन सीड है, ये सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो इसे आपको पकने देनी है कुछ इस तरह से। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से पके हुए सीड्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सीड्स है ये बिल्कुल पक चुकी है। इस सीड्स को हम निकालते हैं, कलेक्ट करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पक चुकी है और अब ये हार्वेस्टिंग करने की भी काबिल हो चुकी है। ये बिल्कुल सीड्स है, ये देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट सीड है। और आप इसे एक एयर पॉकेट जो होती है उसे आप भर करके, एयर पॉकेट मतलब पूरी टाइट आपको पैकेट को सील करके रखनी है और इसे फिर नेक्स्ट सीजन में आप इसे अक्टूबर तक इसे एक कोकोपीट की मिक्सर बनानी होती है या फिर सिर्फ कोकोपीट को आपको मॉइस्ट करके आप उस कोकोपीट में इसे इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे और उसी कोकोपीट से एक लेयर आप चढ़ा देंगे। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी 5 से 6 दिन के अंदर में इसकी एक नए पौधा जर्मिनेशन हो जाएगी। देन आप उस पौधे को फिर से गमले में प्लांटेशन कर सकते हैं और इस तरह से इसकी सीड्स को आप कलेक्ट करके अपने घर पे फ्री में हज़ारों फ्लावर अपने पौधे आप बना सकते हैं कैलेंडुला की। इसकी देसी भी होती है और हाइब्रिड भी होती है, दोनों में सीड्स बनती है। और ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसकी सीड है, कुछ इस तरह से निकलती है। तो इस तरह से पूरी जब पक जाएगी तभी आपको हार्वेस्ट करनी है कुछ इस तरह से। अभी आप देख सकते हैं ये ग्रीन सीड्स है, इसे आपको नहीं रखनी है, जिस तरह से ग्रीन आपको लग रही होगी तो पूरी तरह से पक जाएगी, मैच्योर हो जाएगी इसकी सीड्स। कुछ इस तरह से आपको देख रहे होंगे इसकी सीड पॉट्स, जो सीड पॉट होती है इस तरह से यहाँ से इस तरह से आप कलेक्ट कर सकते हैं और फिर किसी पैकेट पे आप एयर पैकेट पे जो है सील करके आप उसे रख दें। तो इस तरह से हमने हार्वेस्टिंग अभी फ़िलहाल हमने इसकी सीड जो है ऑलरेडी मैंने हार्वेस्ट करके रख चुका हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी जो साइज़ थी, मतलब बहुत ही परफेक्ट जो कलियाँ थी बड़े साइज़ की, उसी से सीड्स हमने निकाली और उसे हमने एयर पॉकेट के मदद से उस एक पैकेट में हमने इसे रख ली है। तो कुछ इस तरह से आप भी रख सकते हैं, इसकी हार्वेस्ट करने की बहुत ही आसान मेथड्स है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस पौधे से हमने और भी सीड को कलेक्ट की है। और इधर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ से हमने सीड को कलेक्ट की थी जो कि बहुत सारी सीड पॉट इस पर बनी थी और अच्छी अच्छी सीड बनी थी, बड़े बड़े साइज़ की थी, उसी है हमने हार्वेस्ट की। जिस तरह से ये पक गई है देख सकते हैं, इस तरह से पके हुए सीड को आपको हार्वेस्ट करनी है। और इस बार मैं इस बरबीरा की सीड्स को भी आपको हार्वेस्टिंग करने की एक अच्छी मेथड्स में लेके आऊँगा, बहुत ही सिंपल मेथड्स होगी और आप इसकी भी प्लांट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग है और छोटे छोटे खिलते हैं बट खूबसूरती बहुत ही ज़बरदस्त होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। देन चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन आपको बगल में दिख रही होगी, इसे भी आप प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।